পরিপাটি ব্যাপার প্রথমত দ্বিতীয়ত একটা মনিটর আছে যেখানে আমাদের এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করা আছে একটা হেডফোনের ব্যবস্থা আছে আমাদের একটা ভ্যালু এডিশন যে অনেকখানি হয়েছে बहुत हैप्पी होते हैं हमारे बस में राइड करके और फिर से मतलब जर्नी के लिए सोचते हैं कि अगर हम दोबारा जर्नी करेंगे तो इसी राइड में ही करेंगे। So, hi guys, welcome back to another vlog. So, फिर से स्वागत है दुर्गा पूजा कम्प्लीट होने के बाद और आप सभी का सुबह भी जो है आपको बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप आसनसोल वासी के लिए क्योंकि इजी राइड जो वॉल्वो स्लीपर बस चालू हो चुका है। तो अभी हम आ चुके हैं आसनसोल जो चेलडांगा है वहाँ पे जो वॉल्वो का बस स्टैंड है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सब बस है, मैंने पहले भी देखा, इसका रेटिंग बहुत ही खूबसूरत है। आसनसोल फर्स्ट टाइम है ये और कोलकाता में आपको देख सकते हैं कोलकाता टू सिलीगुड़ी और आसनसोल में आसनसोल टू सिलीगुड़ी। तो अंदर जाके आप लोग दिखाएंगे इनका एनवायरमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है। तो बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अंदर क्या क्या मिलने वाला तो पूरा टोटली आपको जानने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो देख सकते कितना लग्जरियस बस है ये वॉल्वो बस पूरा फुल टू एसी। फुल टू एसी है दोस्तों ये बस में और वाईफाई कनेक्ट है सामने। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा ये बस, बहुत ही यूनिक है। ये अपर एंड लोअर दोनों में है और पूरा स्लीपर बस है। ये साइड डबल सीटर है और इस साइड आप देख रहे हैं ये सिंगल सीटर की है। कपल्स के लिए यहाँ आप लोग जा सकते हैं आराम से, ठीक है। क्या भैया टीवी चलेगा, अगर आप लोग चाहते हैं अपना हिसाब से अपना टीवी में कुछ भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको देख सकते हैं ये हेडफोन आपको मिलेगा क्योंकि आप जब भी टीवी देखेंगे तो आपको और भी बेटर फीलिंग के लिए आप ये हेडफोन आप यूज कर सकेंगे। देख रहे हैं आप जैसे आसनसोल में फर्स्ट टाइम इजी राइड खुल चुका है और जो कि आसनसोल के अलावा फर्स्ट आपको कोलकाता में आपको देखने मिला है कोलकाता टू सिलीगुड़ी। और ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे चेलडांगा बस स्टॉप के पास जहाँ पे वॉल्वो स्टैंड है वहाँ पे भी आपको इजी राइड का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप लोग कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स कीजिए क्योंकि यहाँ पे एक बार आप जरूर ट्रायल लीजिए। अगर आप सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर इसमें ट्राई कर सकते हैं आप लोग। और इजी राइड जैसा ऐसा कंपनी है वो पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए आया है। सही बात। तो आसनसोल टू सिलीगुड़ी जाने में लगभग कितना समय लग जाता है ये? अभी तो थोड़ा रास्ता खराब है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, 12-13 घंटा लग जाता है। 12-13 घंटा लग जाता है रास्ता, सिलीगुड़ी का साइड में रास्ता खराब हो जाएगा तो टाइम 10-11 घंटा का अंदर। अच्छा, ऐसे कौन कौन कवर में होता था रुकता है? रुकता तो है हम लोग के इधर से रानीगंज पंजाबी मोड़ है। अच्छा, पंजाबी मोड़ के बाद है दुर्गापुर सिटी सेंटर, उसके बाद पानागढ़। रुकता नहीं है मैंने बोर्डिंग के लिए। पानागढ़, पानागढ़ के बाद हम लोग को जाता है इलम बाजार होके निकेतन राज के पुरंदरपुर होके एकदम सिवड़ी, सिवड़ी से वो होके एकदम चला जाता है रामपुरहाट। रामपुरहाट में हम लोग का डिनर का ब्रेक होता है 20 मिनट। रामपुरहाट में? हाँ, रामपुरहाट में 20 मिनट डिनर का ब्रेक। कितना बजे लगभग, कितना टाइम?
लगभग 10:30 बजे घुस जाता है, 10 से 11 बजे तक अंदर। हाँ 10 से 10:30 बजे का हो जाता है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। आप लोग इजी राइड में आइए, इजी राइड को देखिए, चढ़िए, ऐसा तो लगता है एक साल हम लोग का कलकत्ता सिलीगुड़ी गाड़ी चल रहा है। रेटिंग अच्छा से है, 4.8 4.7 रेटिंग, घटा नहीं कभी। और पब्लिक जो बोलते हैं हम लोग सुनता है, कोशिश करते हैं उसको करने के लिए एकदम। तो और एक जंग लिए बेस्ट है ये, कंबल भी आपको मिलेगा और साथ में साथ आपको तकिया भी है। जो लोग डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है। और साथ ही ये सबको बताए, ये आपको हेडफोन वायर वाला हेडफोन मिलेगा, जो कि बहुत ही बेटर फीलिंग आपको आएगा, बहुत ही बेटर फीलिंग मिलने वाला आपको। मैंने आपको टीवी देखने मिला जहाँ पे आपको यूट्यूब का वीडियो दिखाई या कुछ भी आप देख सकते हैं। लॉन्ग स्पेस, बहुत ही बड़ा स्पेस है। तो मैडम ये तो पहली बार आपका नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस और शेयर कीजिए। जैसे कस्टमर लोग आते हैं उनके एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा होता है, जो फर्स्ट टाइम राइड करते हैं उनका तो एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया आता है। एक्चुअली मतलब काफी बसों से बहुत डिफरेंट बस है, बहुत ही डिफरेंट है, और फर्स्ट टाइम फैसिलिटीज भी बहुत बहुत अच्छी, तो बाकी फैसिलिटीज भी बहुत अलग है हमारी बस में। और कस्टमर बहुत हैप्पी होते हैं हमारे बस में राइड करके, और फिर से मतलब जर्नी के लिए सोचते हैं कि अगर हम दोबारा जर्नी करेंगे तो इजी राइड में ही करेंगे। जस्ट ऐसे जैसे मुझे बहुत एक चीज अच्छा लगा कि बहुत पैसेंजर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये सपोर्टिव है। नहीं कहीं जैसे भैया बोले कि कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है तो बस रुका जाता है, बस भी रोक दिया जाता है, और जिसको जो प्रॉब्लम होती है उसके हेल्प के लिए मतलब अटेंडर भी रहता है, और आपकी क्रू भी रहती है दुर्गा पुर का काम करवाते हैं। আমি সন্দীপ, সন্দীপ ভূষণ সরকার। আমি প্রথম দিন এই ইজি রাইড জার্নি করছি, একমাত্র শেয়ার করতে পারি আমি এটাই। একটা আমি নিয়মিত এই ভলভোবাসী যাতায়াত করি, শিলিগুড়ি যাতায়াত করি, শিলিগুড়ি আমার কার্যক্ষেত্র, অথবা আমাকে শিলিগুড়ি যেতেই হয় আর এই ভলভোবাসী যেতে হয়। তো আমি এর আগে অন্যান্য গ্রিন লাইন বা শ্যামলী বা এগুলোতেও গেছি, তাদের অ্যাম্বিয়েন্সের সঙ্গে একটা তুলনা করার তাই সুযোগ পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে একটা পরিপাটি ব্যাপার প্রথমত, দ্বিতীয়ত ফার্নিচার আছে যেখানে আমাদের এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করা আছে, একটা হেডফোনের ব্যবস্থা আছে যাতে অন্যদের কারো ডিস্টারবেন্স না হয়। আর বলতে এইখানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এয়ার হোস্টেসদের প্যারালেল যেমন একটা তৈরি করা হয়েছে, ওনারা সদা হাস্যময় আছে দেখতে, আমাদের একটা ভ্যালু অ্যাডিশন যে অনেকখানি হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। आप लोग फर्स्ट राइडिंग है ना, फर्स्ट फीलिंग कैसा लगा कि आप जैसे यहाँ के एम्बियंस है आप अच्छा लग रहा है? ভালো লাগলো। আমার 5 মিনিট লেট হয়েছে, গাড়ি দাঁড়িয়েছে, এটার জন্য আমি বারবার আসবো। এটা এটা আমার এটাই আমার ভাব। 10 মিনিট আমার গাড়ি লেট ছিল, দু তিনটা বাতান পর্ব করবো, 5 মিনিট দাঁড়িয়ে চাইছে না, বারবার আসবো। কেসে চালু হতো, কেসে কানেক্ট রাখতো। अच्छा रेड बटन, ओके। दो बार टैप करना पड़ता है, और बुकिंग करने के लिए देखिए कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिंग। YouTube में अगर सर्चिंग करना कैसे सर्च किया जाएगा? ओके, हमारे यहाँ से कनेक्ट आपका ये होगा, ऑपरेट होगा। ओके, मतलब उसमें सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो कनेक्ट हो चुका है उसके साथ। दोस्तों बस चालू हो चुका है कैनेडा से। हाँ कैप्टन रेडी है, अभी हम लोग शताब्दी पार्क पास हैं, ट्रेन आप खुली हो रही है आपकी, क्या समझ लीजिए।
अभी देख सकते हैं नियमों से हम लोग नाश्ता चल रहा है दोस्तों, अभी बस चल पड़ी है और अभी हम लोग आ चुके हैं, मतलब अभी आश्रम मोड़ में है और बहुत ही स्मूथ चल रहा बस। वेज नॉनवेज दोनों का व्यवस्था देखा जाता है, सबसे बढ़िया बात ये है। तो आप लोग का हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिए।